तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब गॉडजिला एक्स कॉन्ग हाई पीक पर चल रही है, लेकिन आज बात करेंगे मूवी के उस पार्ट के बारे में जिसने बहुत ज्यादा टची फील करा के गया है और बहुत ज्यादा हिट करके गया है। पर्सनली मुझको कॉन्ग एंड मिनी कॉन्ग के बीच का रिलेशन के बारे में, यानी मिनी कॉन्ग यानी अपना सुको, जब भी मैं सुको बोलूंगा तो आप समझ जाना कि मैं मिनी कॉन्ग को डिनोट कर रहा हूँ। तो भाई साहब बहुत सी थ्योरीज निकल रही हैं कि आगे जाके मतलब विलेन आगे कौन होने वाला है, क्या इन दोनों का रिलेशन रहा है पूरी मूवी में। यानी अगर चलो स्कारकिंग इसका बाप है भी किसका, मिनी कॉन्ग का यानी अपने सुको का, तो उसको डिनाई क्यों करता है, देन उसके बाद कॉन्ग का साथ क्यों देता है, और इन दोनों के बीच में ये केमिस्ट्री इतने ज़्यादा क्लोज कैसे आ गई, क्योंकि एक बार के लिए वो आमने सामने हो चुके थे। जो मिनी कॉन्ग था वो उसे पहले ही अपना विलेन समझ रहा था, उस पर अटैक कर चुका था, लेकिन बाद में ये इतना भाईचारा, ये इतना प्यार कैसे उमड़ गया, क्या बाप बेटे का रिलेशन टाइप की वो फीलिंग देखने को मिली, वो केमिस्ट्री इनके बीच में, सभी चीज़ों पर बात करेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट पार्ट रहा है। बाकी मूवी में बहुत कुछ है जो आपके ध्यान खींच सकते हैं, जो आपको बिल्कुल मोस्ट हाई पीक पर रख सकते हैं, बहुत से टाइटेंस, न्यू क्रिएचर्स एंड बहुत सारी चीज़ें, क्लासेस एंड कॉम्बो देखने को मिला, लेकिन भाई ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पार्ट रहा है इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अगर रेगुलर है तो एक लाइक एक सपोर्ट बनता है भाई साहब, और ये जर्नी यूं ही चलती रहेगी, हम आमने सामने यूं ही मिलते रहेंगे। तो भाई मिनी कॉन्ग का ये रिलेशन कैसा रहा है अपने कॉन्ग भाई साहब के साथ, शुरुआत में वो दोनों एक दूसरे के नहीं कहूँगा, क्योंकि कॉन्ग तो उसे बच्चा ही समझ रहा था, उसकी तरफ सिंपथी थी, क्योंकि कॉन्ग पहले से अटैक नहीं करता है, एंड जब उस पर कोई अटैक करता भी है तो भाई साहब वो उसे छोड़ता भी नहीं है, वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। वो बड़े बड़े सिर्फ मिनी कॉन्ग की बात नहीं, गॉडजिला जब आया था तो गॉडजिला से भी वो पैचअप करने की सोचता है। देन उसके बाद हमें एक मोमेंट ये भी देखने को मिला है जहाँ पर कॉन्ग अपना फुल इंटेलिजेंट है, साइन लैंग्वेज जानता है, और गॉडजिला को बोलता है कि भाई साहब रुक जा, कुछ बड़ा होने जा रहा है, थोड़ा सा वेट कर, लेकिन गॉडजिला अपना चूतिया भंड वो आके उस पर अटैक कर देता है और कहानी वहाँ ख़राब होती। फिलहाल इस पार्ट को साइड में रखते हैं। तो सुको और अपने कॉन्ग भाई साहब के बीच में ये फादर सन वाला बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग कैसे देखने को मिला है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक्चुअल फादर एंड सन थे, लेकिन जो केमिस्ट्री इनके बीच में थी वो वैसे ही थी, क्योंकि कॉन्ग फुल केयर टेकर था इसके लिए, फुल सिंपथी थी इसके लिए, एंड टेरिबली जो एक बच्चे नहीं होते हैं जिन्हें बड़ी उम्मीद होती है कि अपने पेरेंट्स से अच्छा खासा प्यार मिले, यानी जिसको वो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करते हैं, लाइक मिनी कॉन्ग जो अपना सुको था वो स्कार किंग से बहुत अप्रिसिएट करता था, क्योंकि उसके सामने एक वही लीडर था, वही पावरफुल था, तो सारी सत्ता उसी के हाथ में थी, एंड सुको चाहता था कि भाई साहब मुझे अपने पिताजी के पास से बहुत अच्छा प्यार मिले, क्योंकि वो उसे अप्रिसिएट भी करता था, लेकिन बेवजह ही स्कार किंग बहुत ब्रूटल था एंड वायलेंट तो वो था ही, निर्दयी था, तो बिना वजह ही वो उसे पनिश भी करता था, दैट्स वाई कि वो इतना ज़्यादा टेरिबल था, अंदर से बहुत ज़्यादा बिखरा था, जो होते हैं ना वो बच्चे टीन्स, खासकर वो टीनेजर बच्चे जिनको फैमिली से या फिर अपने पेरेंट्स से वो प्यार नहीं मिलता है, तो वो कहीं और जाके ढूंढते हैं, एंड वो इनरली अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, जो सुको देखने को मिला था, लेकिन उस डिस्टर्बेंस को वेल मेंटेन किसने किया, कॉन्ग ने किया है। छाप क्या थी मिनी कॉन्ग के, यानी अपनी सुको की आंखों में छाप क्या थी कि जिसके पास पावर है वो तो निर्दयी होता ही है, वो एडवांटेज लेता है जो स्कारकिंग लेता था उसका, तो वही चीज़ उसने अपने कॉन्ग के साथ भी अप्लाई किया, जब वो कॉन्ग उसे हाथ बढ़ाता है हाथ मिलाने के लिए, लेकिन वो उस पर अटैक कर देता है सुको, क्योंकि वो उससे डर जाता है कि भाई साहब ये भी मेरा एडवांटेज लेगा, मेरे को पनिश करेगा और मेरे को मारेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो उसे सिंपथी देता है। देन आगे जाके एक वो वाला मोमेंट बहुत ज़्यादा क्लोज उनको करके गया है, जब कॉन्ग अपना खाना खा रहा था यानी मीट खा रहा था, और उसने देखा कि भाई साहब ये बंदा पहले ही बहुत टेरिबल है, अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, एंड भूख जो उसके चेहरे पर देखने को मिल रही थी, क्योंकि बड़ी उम्मीदों वाली नज़र से देख रहा था, तो उसने उसे मीट का टुकड़ा दिया है, जो सबसे बेस्ट पार्ट रहा है उन दोनों के बीच में, वो केमिस्ट्री को और भी ज़्यादा क्लोज करने के लिए, क्योंकि वहाँ से उसने ये अंदाज़ा लगा लिया कि भाई साहब ये पावरफुल तो है ही है, इंटेलिजेंट तो है ही है ये, और क्या कहते हैं, फ्रेंडली भी है, और ये साथ में केयर टेकर भी है, तो वहाँ से ये बंदा उसे साथ देने का निर्णय लेता है। एंड अगेन एक और तीसरा पार्ट था जो बहुत ज़्यादा हिट उसे कब करके गया है, जब वो उसे डायरेक्शन देता है वहाँ पर जाने के लिए, जहाँ पर उसके सारे एप्स रहते हैं, जहाँ पर स्कार किंग राज करता है, वहाँ पर ले जाता है, तो वहाँ जाके स्कार किंग जब बेवजह ही इसे पनिश करने लगता है, किसको, अपने सुको को, एंड वहीं पर सुको को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और एप आता है जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता है, लेकिन भाई इतना क्लियर नहीं हुआ कि वो उसकी
माँ थी या फिर कोई और बेबी सिटर था, जो होते ही हैं, एक सिंपथी जन्म हो ही जाती है कि भाई साहब एक छोटा सा बच्चा है यार, इसको ख्याल रख लेते हैं, तो उसका केयर टेकर के हिसाब से आता है। लेकिन स्कार किंग क्या करता है, ना आओ देखता है ना ताओ देखता है, और उस केयर टेकर को, जो कॉन्ग सुको का केयर टेकर था, फॉर टेम्प्रेरी ऑफ टाइम के लिए उसे लावा में फेंक देता है, जो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है उसको, किसको, सुको को। देन उसके बाद अपना कॉन्ग भाई साहब वो हम मैदान में कूदता है, और वो वन एंड वन में बैटल में उसे हराता भी है अपने स्कार किंग को। देन सुको यहाँ से बिल्कुल आइडिया लगा लेता है कि भाई साहब हो ना हो इस इन स्लेव से, क्योंकि वो स्कार किंग क्या करता था, उनको स्लेव बना के रखता था, उनको अपना उन पे रूल करता था और अपनी मनमर्जी चलाता था। सुको को यहाँ से आइडिया लग गया कि भाई साहब स्कार किंग को हराने वाला हो ना हो कोई अपना कॉन्ग ही है। देन उसके बाद वो डिसाइड करता है कि भाई अब इसके साथ आना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जितनी भी और भी प्रजा थी उसकी, वो स्कार किंग की दहशत में और भी झेले, और उसकी मनमानी यूं ही चलती रहे, किसी को भी मार रहा है, किसी को भी तड़पा रहा है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हिट करी। देन उसके बाद हमने वो जो अलाइड हो जाते हैं, जब वो दोनों एक साथ हो जाते हैं कॉन्ग और अपने सुको, तो फिर वो बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है। लास्ट में जब हमने क्रिस्टल वेपन्स के साथ वो लड़ाई देखी थी, जो क्रिस्टल वेपन किसको कंट्रोल करता है, सीमो को कंट्रोल करता है। सीमो कौन है भाई साहब, आइस एज का जो कारण हुआ था, पहला वो जाइगेंटिक टाइटन जो बिल्कुल गॉडजिला की तरह दिखता है, लेकिन उसके पास पावर है, आइस पावर है। वो क्रिस्टल वेपन से स्कार किंग की भी धज्जियां उड़ाता है, कौन, अपना मिनी कॉन्ग। तो भाई साहब ये सारी चीजें तो मूवी में हुई हैं, जो एज इट इज मैंने आपको बता दिया। जो बेस्ट पार्ट लगा मुझको जब भी ये दोनों एक साथ आ रहे थे अपने मिनी कॉन्ग एंड कॉन्ग, तो अलग ही हाइप थी, वाइब थी, मतलब मैचिंग होता है ना कि भाई साहब यार ये वाला पार्ट दमदार है, और वो यादगार में रहता है, दिमाग में छप जाता है, वही चीज हुआ मेरे साथ। दैट्स व्हाई कि मुझे लगा शेयर करना चाहिए। लेकिन यहाँ से थ्योरी क्या बन सकती है कि आगे आने वाले समय में कौन विलेन हो सकता है, क्या अपना मिनी कॉन्ग यानी सुको विलेन हो सकता है। देखा जाए तो एक बार के लिए बायोलॉजिकली अगर देखें तो फादर कौन है, स्कार किंग ही है उसका फादर, तो अपने बाप का, यानी जब ये एक मैच्योर कंडीशन पे पहुंच जाएगा तो हो सकता है इसके अंदर वो बदले की भावना, वेंजेंस की भावना उमड़ जाए अपने कॉन्ग के लिए, और कॉन्ग अपना दिन पे दिन बूढ़ा होते जा ही रहा है। फिलहाल ये थ्योरी उतनी भी हैवी नहीं है कि आगे जाके ये विलेन बन जाएगा, क्योंकि कॉन्ग ने बहुत जगह इसको हेल्प किया है, बहुत जगह इसको उभारा है। दैट्स वाई कि भाई इसका एहसान भी बनता है इसके ऊपर कि उस दलदल से ही इसे बाहर लाया, और एक फ्री फ्री लाइफ को ये जी रहा है, इंजॉय कर रहा है, जैसे अपना कॉन्ग जी रहा है, इंजॉय कर रहा है। और जब इसके साथ वो टाइम स्पेंड करेगा तो कॉन्ग की ही क्वालिटी उसके अंदर आएंगी, जो जो कॉन्ग ना तो नेगेटिव है ना ब्रूटल है, वो ह्यूमैनिटी को सेव करता है, एज प्रोटेक्टर काम करता है। तो आगे जाके मिनी कॉन्ग यानी अपना सुको भी एज प्रोटेक्टर ही काम करेगा। एंड नाउ टॉक अबाउट कि भाई साहब ये जो केमिस्ट्री है इन दोनों के बीच में, एक फादर सन जो मुझे समझ में आया भाई साहब, मैं इसे यही लेके चल रहा हूँ कि एज फादर एंड सन वाली जो केमिस्ट्री थी वो इन दोनों के बीच में काफ़ी गहरी नज़र आई है, और यही एक मेन रूट कॉज मुझे लगा कि ये जो इतना क्लोज लेके आई है, क्योंकि भाई कॉन्ग हमेशा से अकेला ही था, एंड जो मिनी कॉन्ग है सुको वो भी भीड़ में था लेकिन अकेला ही था, क्योंकि उसके फादर से उसे प्यार नहीं मिलता है, तो भाई साहब वो तो प्यार ढूंढेगा ही ढूंढेगा। और जब वो चीज़ कॉन्ग से मिली तो वो ऑटोमेटिकली वो बॉन्ड अपने आप स्ट्रांग हो गया। एंड नाउ टॉक अबाउट कि ये जो जोड़ी का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है वो आगे जाके मोस्ट टेरिबल एंड डेडलीस्ट होगा, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि भाई साहब दोनों ही इंटेलिजेंट हैं। सुको जिस एज में है उस एज में वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसने उस समय पर ऐसी एज में वो डिसीजन लिया जहाँ पर बड़े बड़े नहीं डिसीजंस ले पाते हैं, किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना है, किसको डिनाई करना है और किसके साथ रहना है, क्या सही है क्या सही नहीं है। तो भाई साहब वो मिनी कॉन्ग बिल्कुल अपने लिए सोच पाया वो, तो आगे जाके भाई साहब ये इंटेलिजेंट तो होने वाला है। अब तो अगर ये दोनों की जोड़ी बनती है तो बहुत ही फाइन एंड दमदार जोड़ी हो सकती है, जो आगे जाके मुझे लग रहा है कि गॉडजिला को शायद सब्स्टिट्यूट कर दे, क्योंकि भाई साहब कई समय पर गॉडजिला से अपने कॉन्ग की बनती नहीं है, क्योंकि गॉडजिला भंड चूतिया जैसा दिखता ही है, वो आता है मारताड़ करता है और इतना ही उसे आता है, लेकिन कॉन्ग अपना दिमाग लगाता है और स्ट्रेटजी वेल प्लानिंग भी करता है और आगे जाके एक स्ट्रेटजिकली लड़ता है अपने विलेन से, जो मिनी कॉन्ग में भी देखने को मिला है। तो भाई साहब अगर आगे जाके इन दोनों को फेस करके मूवी बनाई गई तो वो अलग लेवल का
मजेदार मसाला तड़का हो सकता है। फिलहाल आपने मूवी देख लिया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और ये वाला पार्ट कॉन्ग एंड मिनी कॉन्ग का पार्ट, ये आपको कितना हिट करके गया है, और भी क्या स्टोरीज आपके मन में आती है कि भाई साहब आगे जाके ये हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्या आगे जाके भाई साहब मिनी कॉन्ग अपना विलेन के रूप में उभर सकता है, या फिर और भी ज़्यादा ये जो बॉन्ड इन दोनों के बीच में देखने को मिला है ये और क्लोज हो सकता है और भी ज़्यादा। तो आपके हिसाब से जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट उसे जरूर बता के जाना। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आई है, तो पसंद आई है तो एक लाइक भी कर दीजिए, देन उसके बाद अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी दूसरे पार्ट पर गॉडजिला एक्स कॉन्ग से ही, क्योंकि बहुत कुछ है, स्कार किंग, देन उसके बाद सिमो का वो कनेक्शन कैसे सेट हुआ है, और इन दोनों के लड़ाने के लिए मतलब उन दोनों को हराने के लिए जो वेल प्लान्ड जो भी स्ट्रैटेजी वगैरह थी, बहुत कुछ है, आगे किसी और वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।